Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about Duke Fuqua MMS. So, Duke Fuqua के ऊपर मैं already एक video बना चुका हूँ, ठीक है? उसका मैं आई बटन में लिंक दे देता हूँ. That is about the MBA program. In this video, we'll talk about the MMS program. MMS program होता क्या है? Masters of Management Studies. उसे कहते हैं, ठीक है? And इसके लिए आपके पास background में अगर BTech हो या BBA किया हो या फिर BA भी किया हो, कोई भी प्रोग्राम आपने किया हो, कोई भी फील्ड से हो, जस्ट आफ्टर योर ग्रेजुएशन यू कैन गेट एन एडमिशन इन दिस कॉलेज. ऑल इट एंड सैलरी इज अराउंड 80 lakh rupees. दैट्स अ ह्यूज सैलरी, राइट? सो इसके बारे में जानते हैं. एंड टू मेक दिस एमबीए जर्नी एन इजी एंड प्रोडक्टिव वन, यू कैन डाउनलोड अवर ऐप विच इज अवेलेबल ऑन द iOS एंड द एंड्रॉइड प्ले स्टोर. यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ फ्री टेस्ट एंड लॉट ऑफ फ्री क्लासेस ऑन द प्लेटफॉर्म. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. Duke Fuqua, it's a very great college. Duke एक top 20 colleges में आता है in the world. All at once का ये course तो top 10 में आता है. अगर आप search करेंगे, you will find a lot about this college. ठीक है? And ये North Carolina में है. Plus, इसके लिए आपकी eligibility criteria बहुत ही simple है. आपके पास graduation होनी चाहिए, graduation की degree होनी चाहिए. And graduation की जो degree है, वो last year में भी हो, final year में हो, तब भी आप apply कर सकते हैं. ठीक है? सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपीरियंस वाले ही कर सकते हैं. इसमें विदाउट एक्सपीरियंस वाले ही प्रेफर किए जाते हैं, बिकॉज उसमें लिखा भी हुआ है अगर आपने लेट सपोज एमबीए कर लिया या फिर एमबीए इक्विवेलेंट कोई डिग्री कर ली, जिसमें कहते हैं पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कर लिया, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं. ठीक है? प्लस अगर आपके पास 2 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते. फिर आपको उनके डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी, बट वो आपको रिकमेंड वही करेंगे कि आप एमबीए करिए फिर. ऑलराइट, सो बेसिकली अगर आपका ग्रेजुएशन होने वाला है या फिर ग्रेजुएशन खत्म हो गया है और बस आप सोच रहे हैं कि अब आगे क्या किया जाए, देन दिस इज अ कोर्स फॉर यू. 2 साल तक का गैप होना चाहिए ग्रेजुएशन के बाद. 2 साल अगर लेट सपोज आपकी 2020 में ग्रेजुएशन खत्म हुई एंड यू नाउ यूर थिंकिंग और कि क्या किया जाए, तो यू कैन गो फॉर दिस कोर्स. ऑलराइट, नाउ मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोग्राम की अगर हम बात करें एमएमएस की, तो यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं. एंड एक होता है आपका फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, एक होता है ड्यूक कुंशन यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी चाइना की यूनिवर्सिटी के साथ मिक्स होता है, तो आपको वहाँ पे भी जाना पड़ सकता है. ऑलराइट, बट अभी के लिए तो पता नहीं कि क्या चल रहा होगा कॉलेज के अंदर, कि जाने दे रही नहीं, क्योंकि यहीं से जाना बहुत मुश्किल है, तो चाइना तो क्या ही जाएंगे. ठीक है? बट 2 तरीके के आपको प्रोग्राम्स मिलते हैं. दोनों ही वैलिडिटी आपकी लाइक कोर्स की जो लेंथ है वो रहती है 10 मंथ्स की. ठीक है? 10 महीने का कोर्स होते हैं दोनों के दोनों, इससे ज़्यादा के कोर्स नहीं है. नाउ अगर हम बात करें एप्लीकेशन की डेडलाइन की, तो राउंड 1 और राउंड 2 अगर आप देखेंगे तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए. ठीक है? तो आपको जैन 20 तक आपको मेक श्योर करना है कि आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को भर दें पूरा का पूरा. बहुत लंबे लंबे फॉर्म्स होते हैं, तो इतना आसानी से मतलब एक दिन में नहीं भरा जा सकता, इसमें बहुत दिन लगते हैं. ठीक है? अब अगर हम आगे बात करें तो मेरिट बेस्ड अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए हो, देन इट्स ऑलवेज रिकमेंड कि आप राउंड 1 या राउंड 2 तक अपना फॉर्म भर दें. कॉलेज ने खुद लिखा हुआ है, तो प्लीज़ मेक श्योर राउंड 2 तक के आप डेडलाइन मान के चले. ठीक है? अगर हम बात करें प्रोग्राम की फीस की, तो जो प्रोग्राम की फीस है दैट इज समवेयर अराउंड $87,000, विच इज क्लोज टू $90,000 अगर आप इलेक्टिव की भी बात करें, क्योंकि इलेक्टिव का भी अलग से चार्ज करेंगे. ठीक है? सो $90,000 इज द फीस फॉर दिस प्रोग्राम. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द MMS की, कैसे स्टार्ट होता है, पहले आप देखिए कि आप इस कॉलेज के लिए फिट है कि नहीं है. फिर उसके बाद आपको प्लान करने के लिए GMAT GRE देना पड़ेगा. GMAT GRE देने के बाद देन यू हैव टू वर्क ऑन द एप्लीकेशन. एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपके रिज्यूमे, ड्राफ्ट, एसेज, ये सब कुछ आता है. ठीक है? एंड देन आफ्टर दैट सबमिट करिए आप अपना एप्लीकेशन. फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा. इंटरव्यू के स्टेज के बाद यू विल गेट द डिसीजन कि आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है एडमिशन. ठीक है? सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर अगर हम देखें, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चाहिए, दे आर नॉट लुकिंग फॉर दी GMAT के टॉप स्कॉलर्स. नहीं देख रहे कि आपको बहुत ही अच्छा स्कोर आए, टॉप कर जाओ. यहाँ पे ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता जैसे कि इंडिया में होता है. इंडिया में बहुत सिंपल है, आप एग्जाम दीजिए, एग्जाम में टॉप करिए, आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा. बट वैसा इन कॉलेजेस में नहीं होता, बाहर के कॉलेज में. इट्स ऑल अबाउट कि आप अपनी प्रोफाइल को एक कॉन्फिडेंट है, क्या आप उन इस कॉलेज को ऐड करेंगे, वैल्यू को ऐड करने वाले हैं कि नहीं करने वाले. एंड आपका जो बैकग्राउंड है, जो डाइवर्सिटी, जिस डाइवर्सिटी से आ रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है उनके बैच के लिए कि नहीं इंपॉर्टेंट है. एंड आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ है, वो लीडर क्वालिटीज़ हैं कि नहीं है. ये सारे पैरामीटर्स वो देखते हैं. नेक्स्ट इज योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के अंदर उनको कोई भी मैटर नहीं करता कि आपके पास एक्सपीरियंस हो या ना हो. प्लस अगर आपने लाइक क्लब के लिए कुछ काम किया हो, स्टूडेंट क्लब के लिए, ठीक है, या फिर आपने पार्ट टाइम काम किया हो, या फिर आपने पेड या फिर इन अनपेड वर्क एक्सपीरियंस हो आपके पास, ये सब कैलकुलेट किया जाएगा. कोई इंटर्नशिप हो वो भी कैलकुलेट की जाएगी. बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं CA की आर्टिकलशिप काउंट की जाएगी. यस, वो भी काउंट की जाएगी इसके अंदर एज अ वर्क
सो आप अपने एक्सेस में लिख सकते हैं कि मैंने ये काम किया हो, वो उसको ऐसे वर्क एक्स मान लेंगे। बट वैसे ऐसे कोई वर्क एक्स का क्राइटेरिया यहाँ पे मेजरली रोल प्ले नहीं करता कि आपके पास 2 साल का होना चाहिए कि 3 साल का होना चाहिए, 1 साल का होना चाहिए, नथिंग लाइक दैट। ऑलराइट, एंड उसमें नीचे लिखा भी हुआ है 2 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस होना भी नहीं चाहिए वैसे, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्टीट्यूड एंड प्रोफिशिएंसी, एप्टीट्यूड के अंदर सिंपल कहते हैं आपको क्वांट्स आनी चाहिए, यू हैव टू बी गुड विद क्वांट्स, ऑलराइट, बिकॉज ये कोर्स के अंदर भी क्वांट्स होती है तो इसलिए वो आपको आनी चाहिए अच्छे से। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए ये कोई आईएलटीएस या टॉफल का लिए रिकमेंड नहीं करते हैं वैसे तो, बट दे विल जज दैट ऑन द बेसिस ऑफ योर एसेज, योर अंडरग्रेड रिकॉर्ड एंड योर रिकमेंडेशंस, ठीक है, उसके बेसिस पे आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को वो जज कर लेंगे कि आपने कैसा एसेज में लिखा है, क्या एसओपीज में लिखा है, एंड एलओआरस एंड एवरीथिंग। ओके, वहाँ से वो जज कर लेंगे इंटरव्यू के थ्रू ही कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती है। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या जरूरत होती है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका रिज्यूमे होता है, ठीक है, आपको एसेस जो होते हैं वो चाहिए होते हैं, फिर आपकी रिकमेंडेशन चाहिए होती है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, और आपके ट्रांसक्रिप्ट जिसे कहते हैं हम 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स बेसिकली, ठीक है। एप्लीकेशन जो अगर टाइमिंग फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, अगर उनको ये वीजा चाहिए, कुछ इनमें से कोई भी एक पॉइंट है जो उनको चाहिए हो, तो डेफिनेटली उनको राउंड 1 या राउंड 2 तक अप्लाई कर देना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया हुआ है कि राउंड 1 या राउंड 2 तक आप अप्लाई करें, राउंड 3 तक की वेट ना करें, बिकॉज फिर वो वीजा वीजा मिलने में दिक्कत होती है, फिर एडमिशन कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट इज आई वॉन्ट टू एड्रेस वन इशू। द इशू इज कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो की थी वो हिंदी में कर ली, या फिर समथिंग लाइक दैट, तो मेरी जो मार्कशीट है वो हिंदी में आई हुई है कि किसी किसी यूनिवर्सिटी, बहुत ही रेयर होता है बट होता है, ऐसे चांसेस लिया है तो ये भी है, ठीक है, कि अपनी हिंदी में ग्रेजुएशन की मार्कशीट आ जाती है, तो उसका क्या किया जाए। तो उसके लिए आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, वो वेबसाइट में हर एक कॉलेज यही बोलता है कि आप उसको कन्वर्ट करके लाइए, ठीक है, ट्रांसलेट करके लाइए, फिर उसको अटेस्ट करवाइए अपने कॉलेज से, अटेस्ट कराने के बाद देन आप इनकी वेबसाइट, यहाँ पे तो दिया ही उन्होंने, मैंने यहाँ पे एड्रेस पे लिख दिया कि क्या क्या कहाँ पे सेंड करना है, ठीक है। बाकी आप हर एक कॉलेज का होता है, अगर आपके पास हिंदी में हो तो आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा किसी ने एक दो बारी पूछा था तो मैंने सोचा कि मैं इंक्लूड कर दूँ इसी के अंदर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्लास प्रोफाइल की, तो क्लास साइज अगर हम देखें तो 140 स्टूडेंट्स के अराउंड है इस बैच के, 2020 to 2021 के, ठीक है। एवरेज एज इज 23, ऑल राइट, एंड एवरेज वर्क देखेंगे तो 6 मंथ्स प्लस, अगर आप उनका जीपीए देखेंगे अंडरग्रेड्स में क्या था तो इट वाज 3.5, देन जीमैट का अगर आप रेंज देखेंगे जीआरई वर्बल और जीआरई क्वांट, तो जीमैट था 580 टू 740, तो स्कोर इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, 580 वाला भी है क्लास में और 740 वाला भी क्लास में है, ठीक है, तो स्कोर इतना कुछ खास मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे। जीमैट की वर्बल की रेंज देखेंगे तो 148 टू 163 एंड सेम फॉर द क्वांट 148 टू 168, ठीक है, तो वही सेम चीज़ है, जीआरई भी दोगे तब भी कुछ इतना नहीं होगा कि आप टॉप कर लिए तो डेफिनेटली आपको एडमिशन मिलेगा, ऐसा नहीं होता है इन कॉलेज के अंदर। इनके अंदर आपके मेजरली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है एसेस को, ऐसे अगर आपने एक पॉइंट कुछ गलत लिख दिया पक्का आपका एडमिशन नहीं होगा। देन वुमेन इज 55% एंड कंट्रीज रिप्रेजेंटेड 25 कंट्री से स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द प्लेसमेंट्स, द पैसा, पैसा कितना मिलता है और क्या होता है, तो इन्होंने अपनी क्लास प्रोफाइल के बारे में बताया हुआ है कि किन्होंने एम्प्लॉयमेंट के लिए देखना था, कितनों ने नहीं देखा था, बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा क्लियर किया हुआ है कि 141 स्टूडेंट्स से जिसमें से 106 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया फॉर दी एम्प्लॉयमेंट, कि उनको जॉब चाहिए, ठीक है ना। अगर उसके आगे फर्दर देखेंगे तो उसमें बताया कि उनकी एज कितनी थी, 23 थी, उनके पास एक्सपीरियंस कितना था, उनकी जीमेट के स्कोर कितने थे, कौन सी कंट्रीज से आ रहे थे वो जिन्होंने अप्लाई किया था, ठीक है, एंड ऑल द स्टफ, प्लस फुल टाइम जॉब्स बाय फंक्शन, उनको फुल टाइम जॉब्स किस पे क्या मिली हैं उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है, ये सारा डेटा। अब आगे मूव ऑन करते हैं एंड लेट्स सी कि एवरेज क्या है, ठीक है। नाउ एवरेज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा, दिस इज फॉर दी वर्क ऑथराइजेशन, जिनको मतलब है कि आप वहाँ पे परमानेंट काम कर सकते हैं, ठीक है, तो वो थे 27 और उनमें से जिन्होंने रिपोर्ट किया 90% रिपोर्ट किया, उनकी मीन सैलरी अगर आप देखेंगे तो वो $58,000 है, मीडियन $62,000, एंड अगर आप देखेंगे लो गया था 26 एंड हाई गई है 87,500 इज दी हाई। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट अगर आप देखेंगे नॉन परमानेंट वर्क ऑथराइजेशन, जिनको वहाँ पे काम करने के लिए नहीं था, कि मतलब यू नो कि हर किसी को वो नहीं मिलता ऑफर, लेट सपोज पीआर नहीं मिल जाती पहले साल में, ठीक है, तो वो 32 के अराउंड थे, 84% रिपोर्टिंग थी, ये मीन है, ये मीडियन है 36,000, थोड़ा कम हो जाता है बिकॉज यू नो कि नॉन वर्किंग वाले शायद कभी कभी अपनी कंट्री से जाके भी करते हैं, तो उनकी कंट्री के हिसाब से उनको सैलरी मिलती है, तो उसलिए लो हो जाता है। एंड एवरेज यहाँ पे लो है 11,000 का एंड हाई है $110,000 का। अब यहाँ पर ऐसा क्यों है, क्योंकि नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल ग्लोबल सैलरीज रिपोर्टेड इन USD, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द जॉब लोकेशन,
तो आपने जॉब अगर आपने जाके चाइना की, जर्मनी करी, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, स्पेन, तो आपकी सैलरी उस हिसाब से थोड़ी सी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट तो डेफिनेटली करेगी, ठीक है। अगर आप यूके यूएस में ही करेंगे तो डेफिनेटली आपको और भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे, या इंडिया आ जाएंगे तो थोड़े कम पैसे मिलेंगे, बिकॉज दैट्स द रियलिटी, टू बी ऑनेस्ट, दैट्स द रियलिटी ऑफ द लोकेशन। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्कॉलरशिप्स की, स्कॉलरशिप मिलती है, ये स्कॉलरशिप मिल जाती है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं जो कि सारे ही स्टूडेंट्स को मिल जाती है, वेरियस फेडरल एंड प्राइवेट लोन्स होते हैं वो यूएस सिटीजनशिप को मिलते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट लोन प्रोग्राम होता है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिलता है, एंड नो कोसाइनर नीडेड। सो इसमें ऐसा है कि अगर आपको बच्चे सोचते हैं कि मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, मुझे लोन चाहिए होगा, तो मेरे पास तो कोई मेरे मम्मी पापा नहीं देंगे, या फिर साइन नहीं करेंगे, या फिर कोई मेरे पास गारंटियर नहीं है, या समथिंग लाइक दैट, तो वो भी इसमें आपको मिल जाती है हेल्प कि आपको लोन लेना हो तो वो आराम से करवा देंगे, यूनिवर्सिटी वाले ही करवा देंगे, ठीक है। तो इतनी टेंशन लेने की बात नहीं, आप अप्लाई करिए, पढ़ाई करिए, एंड डेफिनेटली यू विल गेट दी लोन, और फी वेवर भी मिल जाता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फी वेवर ही मिलता है, ठीक है। बाकी आई रिकमेंड कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन करिए, जी मैं जेरी प्रिपरेशन विल लर्न फॉर एग्जाम टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप है, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप यहाँ पे ग्रुप पे पूछ सकते हैं, एवरी संडे वी डू अ जूम सेशन, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का ही, जी मैट ग्रुप का, आप उसको जरूर से ज्वाइन करिए, एंड यू कैन गो फॉर दिस MIM MBA प्रोफाइल वैल्यूएशन कोर्स। अगर आपको नहीं पता कौन से कॉलेज में अप्लाई करें, कौन से में नहीं करें, यू कैन हैव वन टू वन कॉल विद मी, ठीक है, एंड आई विल लाइक वी विल इवेल्युएट योर एकेडमिक जर्नी, योर वर्क एंड योर अचीवमेंट सो फार, सो दैट वी कैन लाइक आई कैन give you recommendations of the personal school कि आपके लिए कौन से schools हैं, आप कौन से MBA B schools में जा सकते हैं जो top के B schools हैं। मैं वही निकालता हूँ जो top 100 में आते हैं, उससे ज़्यादा मैं नीचे नहीं जाता, तो top 100 आई विल रिकमेंड यू कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप कौन सा कॉलेज टारगेट कर सकते हैं और कौन सा कन्वर्ट भी होने के चांसेस ज़्यादा है, वो सब करते हैं, और प्लस आपके जो भी इन डेप्थ रिज्यूमे प्रोफाइल एनालिसिस रहता है, प्लस प्रोफाइल इंप्रूवमेंट प्लान, अगर कोई भी इंप्रूवमेंट की जगह है कि हाँ आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, तो वो, एंड प्लस Q&A सेशन रहता है टू सॉल्व योर एनी क्वेरी, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारा GMAT GRE का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 10th से, इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन विजिट द वेबसाइट एंड डायरेक्टली एनरोल ओवर देयर, प्लस कैट एंड मैथ्स एंड भी सारे कोर्सेज हैं जो कि 7th से स्टार्ट हो रहे हैं, 7th जुलाई से, ठीक है। सो नए बैचेस आ रहे हैं 7th एंड 10th जुलाई से, आप जरूर से विजिट कर सकते हैं walmafarzan.com, वहाँ पे आपको कोर्सेज, ई बुक्स प्लस टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ ही मिल जाता है, आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा walmafarzan.com, एंड अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7981394667। Alright, my team will get back to you, and you can check out results of 2020, 2019, 2018, 2017. We have great results, great feedback from our live classes, and don't forget to connect with us on YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, Snapchat. Sari social media channels ke link niche description mein diye hue hain, and thank you very much. Well, love you, awesome day ahead.